कश्मीर घाटी में आतंकियों की कायराना कर तू। पुलिस वालों के परिवार को बना रहे हैं निशान। 36 घंटों में 9 लोगों को किया गया किडनैप। कश्मीर में सेना और पुलिस के चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकियों की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि अब आतंकी संगठनों ने पुलिस वालों के परिवारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आतंकियों ने 2 दिनों में पुलिस कर्मियों के 10 रिश्तेदारों को अगवा किया। अगवा किए गए लोगों में दक्षिण कश्मीर के DSP मोहम्मद शाहिद का भतीजा, DSP एजाज का भाई और ASI बशीर अहमद का बेटा भी शामिल है। इनमें से किसी को रास्ते से अगवा किया गया तो किसी को घर से उठा लिया गया। मेरा भाई पुलिस में है, वो आज ज्यारत पर गया हुआ है। उसका बेटा था घर में, पता नहीं रात के वक्त निकापुर दो तीन बंदे आए, उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया। किडनैपिंग की वारदात शोपिया, कुलगांव, अनंतनाग, त्राल, बांदीपोरा और अवंतीपोरा में अंजाम दी गई। इन तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जिन लोगों को अगवा किया गया है उनके नाम है जुबैर अहमद भट्ट, आरिफ अहमद शंकर, फैजान अहमद मकरू, समर अहमद राठीर, गौहर अहमद मलिक, यासिर अहमद भट्ट, नासिर अहमद, शब्बीर अहमद जरगर और आसिफ अहमद राठीर। आतंकी अभी तक घाटी में पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे थे, मगर जानकारों के मुताबिक पिछले कुछ समय से ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि आतंकी सीधे पुलिस वालों को ही निशाने पर ले रहे हैं। कुछ दिन पहले घाटी में 24 घंटे के अंदर ही 3 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था और अब सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने के लिए उनके परिवार वालों को अगवा किया गया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि स्ट्रेटजी पार डिवाइस की गई है और पार से आई है, और उसकी खास वजह यह है कि पुलिस इंटेलिजेंस कलेक्शन में काफी आगे हैं। लगभग 90% इंटेलिजेंस पुलिस से आती है। कश्मीर पुलिस के रिश्तेदारों को अगवा करने की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रियाज नायकू ने ली है। साथ ही इस दहशतगर्द ने सेना और पुलिस में भर्ती कश्मीरियों को धमकी भी दी है। नायकू ने कहा है जिनको जान प्यारी है वो नौकरी छोड़ दें, कान के बदले कान, मकान के बदले मकान लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिश्तेदारों को किडनैप कर आतंकियों ने अपनी कायराना करतूत का उदाहरण दिया है। जाहिर है कि आतंकी कश्मीर के आवाम के दिल में खौफ भरना चाहते हैं, लेकिन आतंकियों के इस नापाक कारनामे से पुलिस और सुरक्षा बलों के हौसले कम नहीं होंगे, बल्कि वो आतंकवाद के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।